हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरआरबी टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल आरआरबी टाइमलाइन पे। दोस्तों, अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर आई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, साउदर्न रेलवे की तरफ से फिर से बम्पर वैकेंसी जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, साउदर्न रेलवे की तरफ से रेलवे भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी वैकेंसी आया है। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसी आरआरबी रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वहाँ से अगर टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप में आरआरबी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है उस साउदर्न रेलवे की तरफ से। यहाँ पे वैकेंसी जारी किया गया, पूरा आपको डिटेल्स में जानकारी देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ उस न्यूज़ पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में, जहाँ पे साउदर्न रेलवे के जो वैकेंसी है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी दी गई है। चलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ उस न्यूज़ पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी odissatv.in के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुकी हूँ। यहाँ पे दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट 2400 वैकेंसी यहाँ पे जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये वैकेंसी आपका साउदर्न रेलवे की तरफ से आया है। आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट 2019 अप्लाई फॉर 2400 वैकेंट पोस्ट हरी अप। दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी जो जारी किया है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे द साउदर्न रेलवे की तरफ से वैकेंसी आया है। यहाँ पे साउदर्न रेलवे की तरफ से द साउदर्न रेलवे हैज़ रिलीज द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रैकमैन, हेल्पर, हेल्पर टेली हेल्पर, सिग्नल पॉइंट्समैन, उसके बाद हेल्पर CNW, हेल्पर डीजल मैकेनिकल, हेल्पर डीजल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया है। यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई द पोजीशन बिफोर सितंबर 12, यानी कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 12 सितंबर से पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो वैकेंसी डिटेल्स दी गई दोस्तों, यहाँ पे आपका जिन सभी कैंडिडेट ने एक सर्विस मैन है, उन सभी कैंडिडेट लेवल वन पोस्ट के लिए यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी में आपका अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एक्स सर्विसमैन फॉर एंगेजमेंट इन सेफ्टी कैटेगरी ऑफ ब्रिज ऑर्गेनाइजेशन, ट्रैक मशीन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर सिमिलर टेक्निकल सेफ्टी। यानी कि दोस्तों, ये जो वैकेंसी आया है, ये आपका एक सर्विसमैन के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। एप्लीकेंट मे सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय लॉग इन www.rrcmas.in। एप्लीकेशन कम्प्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट शुड बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन बिफोर 17 आवर्स 12 सितंबर 2019। यानी कि दोस्तों, 12 सितंबर शाम को 5 बजे से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। आपका एज लिमिट आपका होना चाहिए 13/8/2019 के हिसाब से आपका एज लिमिट होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे अपर एज लिमिट मैक्सिमम 50 ईयर्स रखा गया है। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि पर्सनल स्टिल सर्विंग द आर्म फोर्स एज ऑन डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर। यानी कि दोस्तों, जिनसे भी कैंडिडेट आर्म फोर्स में नौकरी कर रहा है, इस नोटिफिकेशन के इशू होने के बाद भी उन कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा। ओनली दोज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन अलोन विल बी कंसिडर फॉर द एंगेजिंग द कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स। या दोस्तों, यहाँ पे जिन सभी कैंडिडेट ने पहले अगर आर्म फोर्स से रिटायर हो चुका है या तो फिर डिस्चार्ज हो चुका है, तो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ से चांस दिया जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, एक्सरसाइज मैन हु हैज़ रिटायर्ड आफ्टर पुटिंग इन 15 ईयर्स काम कर चुके हैं, उसी के बाद ही यहाँ पे इन सभी कैंडिडेट के यहाँ पे चांस दिया जाएगा। प्रोसीड्योर और रिक्रूटमेंट जो है दोस्तों, यहाँ पे द पैनल विल बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ एक्स सर्विस मैन लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस फॉर एंगेजिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक। ये जो नौकरी होगा, ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स में होगा। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड एक्स सर्विस मैन विल बी कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे दोस्तों कोई भी एग्जाम नहीं होगा। जिन सभी कैंडिडेट ने अप्लाई करेगा, उन सभी कैंडिडेट को एप्लीकेशन के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कैंडिडेट शैल अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विद ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट। सभी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे सभी सर्टिफिकेट लेके आपको अटेंड करना है, उसके बाद ही आपको सीधा यहाँ पे एंट्री रेलवे में जॉब मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी अपडेट आया था, मैंने आपको पूरा अपडेट बता दिया हूँ। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक दी गई है, अब यहाँ से जाकर डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। और फाइनली, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसी आरआरबी रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।